सॉरी। सो गाइज आज के दिन में मैं आप सभी लोगों को नहीं बताया, सॉरी आज के दिन में मेरा पूरा दिमाग लगाने वाला हूँ और फिर मैं नेदरराइट का फुल एन्चेंटेड आर्मर बनाने वाला हूँ। कैसे इधर देखो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है नेदरराइट। ओके सॉरी फॉर 2 GB प्रॉब्लम्स। नेदरराइट लिख देते हैं हम लोग। नेदरराइट ले लेते हैं अपन, पूरा आज आर्मर लेंगे फिर गाइस। सबसे मतलब सब इसके लिए तो भाई यही बनाना चाहिए रहेगा, एडविल। मतलब एडविल हो तो क्या हो रहा चाचा, थोड़ा सा और हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंडिंग लेने वाले हैं और अभी मेंडिंग में ना चारों भाग चार मेंडिंग लेने वाले हैं हम। चार मेंडिंग लेने से क्या होता है, क्या मतलब कुछ भी ये लगाने वाले हैं, चार सारों के चारों पार्ट्स है आर्मर के उनके ऊपर लगा देने वाले हैं। ओके तो इतना हो गया अपना। ओके अभी हम जाते अनब्रेकिंग के अनब्रेकिंग। ओके अनब्रेकिंग के ऊपर चलते हैं और अभी इसके बाद अरे यार क्या हो रही है। अरे यार आप भी ऐसा करो यार और फिर ट्राई करो कि आप ओवर पावर बन नहीं जाते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है लास्ट प्रोटेक्शन। ओके लास्ट प्रोटेक्शन गाइस हमने टाइप कर लिए हैं, चार ब्लास्ट प्रोटेक्शन ले लेंगे, फोर वाली सबसे बड़ी बड़ी वाली जेटस ले लें, नहीं तो छोटे वाले मत लेना। ओके अभी आपको कुछ नहीं लेना है, आपको लेना है फ्रॉस्ट वॉकर। ओके फ्रॉस्ट वॉकर 2 ले लेना है आप सभी लोगों को और फिर और एक नई एन्चेंटिंग डालने है, उसका नाम है नहीं कौन सा था, हाँ सोल वॉकर। फुल स्पीड, हाँ फुल स्पीड 3 डाल देना है। अभी उसके बाद आप सभी लोगों को डालना है फेदर फॉलिंग 3। मैं इसलिए बोला था कि पूरा दिमाग लगाया मेरे, ठीक है ना, पता पहले कहते हो नहीं रहा। ओके यहाँ पर आपने नेदरराइट की बूट्स पे लगे हैं ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4, फ्रॉस्ट वॉकिंग 2, स्वॉल स्पीड 3, फेदर फॉलिंग 4, ब्रेकिंग 3, मेंडिंग 1। ओके बेटे बहुत कर दी बेटे। अभी अपन इस पे हेलमेट पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे संपर्क करना है और एंचेंट लिखना है, ठीक है ना। एंचेंट मतलब सारे लोग एंचेंट करने वहाँ चलते हैं। देखो ये है प्रोटेक्शन तो हमने ले लिया, उसका प्रोटेक्शन भी ले लेते हैं, ट्राई करते लगता है कि नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि लगेगा प्रोटेक्शन। देखा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ऐसे दिमाग लगाते रहेंगे। अभी फेदर फॉलिंग 4 तो मैंने लगा लिया है, ब्लास्ट प्रोटेक्शन भी लगाया, प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन नहीं फॉर्म्स 3। ओके फॉर्म्स 3 लगा लेते हैं जल्दी। पुराने आर्मर को थ्रॉम्स 3 में रखना ही है, ठीक है ना आप सभी लोगों को। ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि भाई थ्रॉम्स 3 को क्यों रखना है, क्योंकि भाई ज़्यादा अच्छा बनाता है थ्रॉम्स 3। बाद आपको लेना है नीचे जाओ यहाँ पर रेस्पिरेशन ड्रिप स्ट्राइडर भी मिले, शार्पनेस है, माइट है, देखो तो मेरा सबसे पास नॉकबैक है, ऐसा आपको नहीं लेना है। देखो यहाँ पर रिप्टेड भी है, इंपेलिंग, लॉयल्टी, पेपिंग, लास्ट में स्वॉल स्पीड, क्विक चार्ज। ओके एक बार ट्राई करता हूँ कि इंपेलिंग लगता है कि नहीं। ओके रिप्टेड 3 ट्राई करते हैं। मेरे को लगता है ना सर जो ट्राइडेंट पे लगने वाले हैं ऐसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन किधर गया, रेस्पिरेशन 3 लगा के देखते हैं और
एक ना अपन डिप स्ट्राइडर किधर गया, देखा ना, हाँ डिप स्ट्राइडर थ्री लगा के देखते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वो लेके आया डिप स्ट्राइडर थ्री, ये नहीं लगा रेस्पिरेशन, ठीक है रेस्पिरेशन है, ओके ओके रेस्पिरेशन। टकले पे लगेगा रेस्पिरेशन, ओके टकला। ओके ये जूते ओवर पावर्ड है, भी ओवर पावर्ड, और ये दोनों बाकी रह गए हैं। चलो प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन भी ट्राई कर लेते हैं, उसको अपन रख लेते हैं यार, क्योंकि डिप स्प्राइडर है ना, इसका कोई काम नहीं है भाई हमारे पास, इसकी कोई काम नहीं। प्रोटेक्टर प्रोटेक्शन ट्राई कर गए, प्रोजेक्टर प्रोटेक्शन में नहीं लग रहा, प्रोटेक्शन डालते हैं सीधी साधी प्रोटेक्शन, ये तो काम होगा किसके, तो भी प्रोटेक्शन अबे ज़्यादा प्रोटेक्शन करो अच्छा होगा। आई थिंक इट्स ओवर, अपन पहन लेते हैं ना गाइस, जरा कुछ हो गया ही तो सॉरी गाइस, अभी अब वापस से नेदर आईड का बनाना पड़ेगा। तो मंडी ले लेते हैं गाइस, ये लगा लेते हैं तब तक गाइज, ये था मेरा पूरा दिमाग लगा दिया है, मैं तो यार मैंने पूरा का पूरा दिमाग लगा दिया है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को एक सेकंड। तो गाइज मेरे को लगता है कि आज के वीडियो के लिए बस इतना, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले से रासुरा गुड में, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट। Bye bye guys.